मूंग दाल चीला हम सभी को बहुत पसंद आता है। शादियों में भीड़ लगी रहती है, लेकिन वेट करते हैं चीला खाने के लिए। उस चीले को जब हम घर में बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या वो सीक्रेट होते हैं जो हम नहीं यूज़ करते? चलिए आज खोलेंगे उस सारे सीक्रेट्स का राज। जब मैंने हलवाई से डिस्कस की, सारी बातें पूछी कि इसमें क्या क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं, तो तब मुझे पता चला कि ये इन्ग्रीडियंट तो हम कभी नहीं डालते। तो आज हम इस इन्ग्रीडियंट के साथ बनाएंगे और उस चीले को बहुत ही अमेजिंग बनाएंगे। अक्सर त्योहार के टाइम हम यही सोचते हैं कि पूड़ी बनाएं, पराठे बनाएं, उससे बोर हो गए, तो ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, अब कोई गलती भी नहीं होगी बनाने में। आधा कप ले रही हूँ मैं मूंग दाल, जिसे पीली दाल भी कहते हैं, जिसे मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखा है। तो हमेशा अक्सर हम लोग क्या करते थे, लहसुन वगैरह इसमें नहीं डालते थे, लेकिन हलवाई लोग इस पेस्ट के अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालते हैं, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टेस्टी बनता है। अब भीगने के बाद जब ये फूल जाती है, तब इसमें पानी डालकर मैं इसे पीस लेती हूँ। अब ये पेस्ट बन चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कटोरी बेसन और 1/4 कटोरी सूजी, दोनों को मिक्स करके मैं अलग रख रही हूँ। आज इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं चटनियाँ भी बना के दिखाऊंगी। इस चीले के साथ जो चटनी बनती है ना पालक की, वो बहुत ही अमेजिंग होती है। अब चलते हैं इसके लिए फिलिंग बनाने के लिए। वैसे तो अक्सर हम लोग जो बनाते हैं आलू की बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम लोग प्याज भी डालते हैं, खूब सारा हरी प्याज हो तो हरी प्याज भी डाल सकते हो, टमाटर भी डालते हैं, गाजर भी डालते हैं, शिमला मिर्च भी, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, जो आपको चॉइस हो। मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है, आलू को मैश कर लिया है, थोड़े काजू और किशमिश भी रखे हैं, शाही चीले में बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने हरी प्याज लिया, नहीं हो तो नॉर्मल प्याज ले सकते हैं। और यहाँ पर जो खास इन्ग्रीडियंट लिया है वो है मूली, मूली और पत्ते, तो ये सलाद की तरह ना बहुत अच्छा लगता है चीले के साथ। और पनीर मैंने रखा है, क्योंकि पनीर को भी थोड़ा ग्रेट करके डालेंगे। प्याज की स्लाइस रखी हैं। अब बारी आती है, ये तो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो सबसे पहले इसकी फिलिंग बना लेते हैं, फिर चटनियाँ बनाते हैं, और इस मिश्रण में और क्या चीज़ें डालनी है सीक्रेट उसको देख लेते हैं। अब चलते हैं, एक पैन लेते हैं जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और आधा चम्मच जीरा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप हरी प्याज, आप चाहें तो नॉर्मल प्याज ले सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। सारी सब्जियाँ जो मैंने काट के रखी हैं वो मैं डाल रही हूँ, एक टमाटर भी कट करके डाला है। इसमें स्वाद अनुसार डाल रही हूँ नमक, 1 चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद 2 से 3 उबले हुए आलू डालकर मिक्स करें। इसमें थोड़े से काजू किशमिश डाल दें और ऊपर से मिक्स करके हरा धनिए की गार्निश कर दें। अब फिलिंग तो हमारी बन गई, अब चलते हैं उस पालक की चटनी को बनाने के लिए, जो कि हलवाइयों की बहुत ही टेस्टी होती है। पालक की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 कप पालक है जो कि बारीक कटी हुई है, 1/2 कप धनिया है, 1/4 कटोरी पुदीना है, 2 हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच चीनी जरूर डालें और 1/2 कटोरी दही डाल दें, 1/4 कटोरी नमकीन जरूर डालें, जिससे ये चटनी बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए कितनी प्लेन बढ़िया सी पालक की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब बारी है मीठी चटनी की। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी लिया है गुड़, करीब 100 ग्राम के आसपास है, इसे मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया, 1/2 कटोरी मैंने डाल दिया पानी, करीब 50 ml। अब 50 ml पानी अलग से कटोरी में ले रही हूँ, जिसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले, 2 चम्मच लिया मैंने धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ले रही हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अमचूर 1 चम्मच, 2 पिंच डाल रही हूँ हींग, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच अदरक पाउडर। सारे मसालों को मिक्स करके गुड़ वाले मिश्रण में डाल दीजिए और इसे गाढ़ा होने तक पकाइए, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी जैसे चटनी की होती है उतनी आप पका लीजिए। तो यहाँ देखिए मीठी चटनी बन गई है,
जो कि बहुत ही बढ़िया गाढ़ी हो गई है। एक और बात, ये हरी चटनी इनकी बिल्कुल हरी और प्लेन रहती है, ये पालक की वजह से रहती है। ये देखिए, ये मिश्रण काफ़ी अच्छे से ठीक हो गया है, सूजी अच्छे से फूल गई है। अब बारी आती है उसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं, जो हम घरों में यूज़ नहीं करते। ये लोग डालते हैं कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप, आधा कप अगर दाल है तो 1/4 कप ये लोग डालते हैं कॉर्नफ्लोर, जिससे वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब क्योंकि ये काफ़ी थिक है मिश्रण, इसमें हम पानी भी डालेंगे लेकिन कुछ मसाले भी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत थोड़ा सा हींग पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन। सारी चीज़ें डालने के बाद हमें डालना होगा थोड़ा सा पानी और इस मिश्रण को इसकी कंसिस्टेंसी बनानी होगी जैसे डोसा बैटर होता है। कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालना है। इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए इस तरीके से है। अब चलते हैं परफेक्ट चीला बनाने। पनीर मैंने ग्रेट करके रख दिया है, जब हम सर्व करते हैं तब पनीर डालते हैं। प्याज के लच्छे हैं और ये मूली है, सब कुछ तैयार है। आप चाहें तो थोड़ा अनार भी डाल सकते हैं इस फिलिंग के अंदर। ये फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है, अब चलते हैं चीला बनाने के लिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक तवा। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम किया है, इसका पानी डालकर थोड़ा टेम्परेचर लो करना पड़ता है, तब इस फिलिंग को हमें डालना होता है। जब हम इस फिलिंग को डालते हैं तो बहुत बड़ा भी डाल सकते हैं डोसे की तरह, पर क्योंकि चीला छोटा होता है तो एक छोटी सी करछी को इस तरीके से राउंड में फैला दीजिए। अब इसे पकने दीजिए जब तक कि इसका कलर चेंज ना होगा। जब इसका कलर चेंज होने लगे तो ब्रश से हल्का सा ऑयल लगाएं, बस उसके बाद इसे थोड़ा पकने के बाद पलट दें। डोसे को अक्सर हम पलटते नहीं हैं लेकिन चीले को हम पलटते हैं। जब ये थोड़ा सा सिक जाए वापस से पलट कर इसके बाद इसमें फिलिंग रखिए, पनीर रखिए जो आपको डालना है, और बढ़िया क्रिस्पी होने के बाद इसे रोल करते हुए सर्व कीजिए। ये है चीले का राज, क्रिस्पी होने का। जो सारे सीक्रेट थे मैंने आपके साथ शेयर किए, आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए, देखा आपने कितना क्रिस्पी सा बना है। इसे कब बना रहे हो, आपको कैसा लगा, कैसा रिजल्ट आया इसका, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज देखा ना आपने, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना ये चीला, लग रहा है ना बिल्कुल शादियों जैसा। इसके जो राज थे वो सारे मैंने खोल के सामने रख दिए। अब आप इसी तरीके से चीला बनाकर एंजॉय कीजिए इन त्योहारों में।